नेतरहाट भारत की झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। यह पहाड़ियों में स्थित एक पर्यटक स्थल है और इसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेतरहाट की खूबसूरत वादियों से आप तो वाकिफ होंगे ही, पर आज हम बात करेंगे नेतरहाट विद्यालय के बारे में। नेतरहाट विद्यालय भारत के झारखंड राज्य में रांची के निकट नेतरहाट नामक स्थान पर स्थित एक सुप्रसिद्ध आवासीय विद्यालय है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस स्कूल में क्लास 6 से एडमिशन ली जाती है। ये बॉयज स्कूल है। इस स्कूल की स्थापना नवंबर 1954 में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित और गुरुकुल की तर्ज पर बने इस स्कूल से लगभग 1400 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने हैं। ये इस स्कूल से है लेकिन पूरे देश का गौरव है। ये खूबसूरती इसलिए है क्योंकि यहाँ की प्रतिभा ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। इस स्कूल से अभी भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलती है। यहाँ की साफ सफाई और गार्डनिंग आपको काफी पसंद आएगी। कैंपस में आपको काफी जगहों पर झारखंड की संस्कृति की छोटी छोटी झलकियाँ देखने को मिल जाएगी। ये स्कूल प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। नेतरहाट स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ के बायो लैब, और फेमस होने का कारण ये है कि इस लैब में आपको सांप की इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी कि आप देखकर दंग रह जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सांप कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं, इसी जगह से पकड़े गए सांप है। किंग कोबरा, रेड स्नेक, वाइपर, ऐसे कई सारे सांप आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ की लाइब्रेरी कई मायने में खास है। यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 40,000 बुक है। डिसिप्लिन नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्राण है। इस स्कूल में एक हॉस्टल भी है जहाँ बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। इस स्कूल के हॉस्टल को हॉस्टल नहीं आश्रम कहा जाता है। जो गुरुकुल की परंपरा है उसे इस स्कूल के थ्रू एज इट इज उतारी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।